चुनावों का पूरा थियर हो चुका है। तेलंगाना में वोटिंग खत्म हो चुकी है और इन सब के बाद अब एक बहुत बड़ा धमाका हो गया दोस्तों। धमाका इस बात का कि पांच राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टर थे, चाहे वो मिजोरम में हो, तेलंगाना में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, इन पांचों राज्यों में अलग अलग जिले में जाकर जिन लोगों से बातचीत की थी उनके आधार पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमने तैयार की है। सिलसिलेवार तरीके से एक एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक एक जिले की तस्वीर, एक एक राज्य की तस्वीर, सीटों की तस्वीर, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ दिखाने जा रहा हूँ कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, हमारी ये वीडियो आपको याद आएगी वो इसलिए क्योंकि सबसे सटीक, सबसे विश्लेषण जो हमने सटीक और सही धरातल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर किया है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसकी शुरुआत करूंगा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। वो बात अलग है, जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ उनमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक राज्य में यानी मध्य प्रदेश के अंदर है, वो भी जोर तोड़ के साथ बनी थी। लेकिन जनता ने बता दिया है कि अब उनको ऐसी जोर तोड़ वाली सरकारें नहीं चाहिए जो दूसरों की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ले, ऐसा नेता नहीं चाहिए, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। और इसी एक सीट का विश्लेषण दिखाने जा रहा हूं। आपको याद ही है एक महीने के भीतर यानी नवंबर में जैसे शुरू हुए चुनाव, एक एक राज्यों में चुनाव हुआ, तेलंगाना में वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, एक रिपोर्ट। जैसे ही आप उस रिपोर्ट में नजर डालेंगे यकीन मानिए आप समझ जाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का वजूद पूरी तरह से हिल चुका है। सबसे पहले हम बात किसकी करने जा रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की इसलिए दोस्तों क्योंकि जिन पांच राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ उनमें से अकेले मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार है। बहुत दाम दंड भेद चले गए, अमित शाह ने पूरी तरीके से रणनीति फैला दी थी, सांसदों को मैदान में उतार दिया, कह दिया अगर शिवराज सिंह चौहान से आप नाराज थे, आपको लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से पिछला चुनाव आ रहे तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं नया मुख्यमंत्री दे देंगे, लेकिन दोस्तों जनता ने नकार दिया है। मध्य प्रदेश पर जल्दी से नजर डालिए, मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं जिसमें से जीत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए कम से कम 116 सीटें चाहिए, लेकिन जो विश्लेषण बताता है, जो सर्वे बताता है, वो सर्वे सबसे बड़ा है, बताता है कांग्रेस को 160 से 170 सीटें मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 160 से 170 सीटें यानी पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से कांग्रेस की बनने जा रही है। बीजेपी को भी मिलेंगी सीटें, सूबड़ा साफ नहीं होगा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर होंगे यानी 50 से 60 सीटें मैच। सोचिए 15 साल से ज्यादा वक्त तक शासन किया, पिछली बार जनता ने उखाड़ फेंका था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ लाए थे, पूरी उम्मीद थी ग्वालियर चंबल जो इलाका है सिंधिया महाराज के इलाके का वो पूरा का पूरा बीजेपी के साथ आ जाएगा, लेकिन उन लोगों ने धोखा दे दिया, उन्होंने सिंधिया को ही नकार दिया है। 50 से 60 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है। समाजवादी पार्टी पर नजर डाली, 2 से 3 सीटें मिलने जा रही है, पिछली बार 1-30 बार 2 से 3 सीटें होने जा रही है। निर्दलीय भी मैदान में है तो 6 से 7 सीटें निर्दलियों के खाते में जा सकती है। अगर ये निर्दलियों को भी अपने साथ मिला लेते हैं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य करते रहे तो भी मध्यप्रदेश में सरकार बनने नहीं जा रही है। अब 2018 का एक बार विश्लेषण देख लीजिए, सर्वे देख जो जीती थी, किस सीट पर जीती, कितनी सीटें जीती वो भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि 2018 का चुनाव ही था जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका था मध्य प्रदेश की जनता ने, और एक बार वही गुस्सा निकलने जा रहा है। 2018 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था और एक दो दलों ने और सपोर्ट किया था, जिसके बाद सरकार बन गई थी। तब कमजोर स्थिति जरूर थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जोड़ तोड़ करते रहे, कुछ नहीं मिला। बसपा को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार गुस्सा इस बात का है कि 3 साल सरकार बनने के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ मिलाकर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया था। शिवराज सिंह चौहान को भी साइडलाइन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर एब्सोल्यूट तरीके से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, यानी एक बार फिर से कमलनाथ की वापसी होने जा रही है। राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण दूसरा वो प्रदेश इन 5 राज्यों में जिस पर बीजेपी की नजर है, कांग्रेस की नजर है। लगातार आप खबर में सुने होंगे केवल मध्य प्रदेश राजस्थान, इसके अलावा कोई पार्टी बात नहीं कर रही थी। छत्तीसगढ़ के बारे में सोच भी नहीं रहे, तेलंगाना के लिए अलग कहानी रखी जा रही थी, और मिजोरम के बारे में तो बीजेपी के नेता बात करने जा रहे थे। लेकिन राजस्थान की पहले बात कर लेते हैं। राजस्थान 200 सीटें, ये 200 सीटों पर वोटिंग हुई, विधानसभा चुनाव हुए हैं और इनमें से कांग्रेस पार्टी को 140 से 150 सीटें मिलने जा रही है दोस्तों। यह भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, यानी कि तकरीबन 101 सीट पर सरकार बन जाती है, यानी आपको बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा छूना जरूरी है, तो 140 से 150 सीटें मिलने जा रही है। बीजेपी को 40 से 50 सीटें निर्दलीय एवं अन्य सीटें यानी 5 से 10 जो निर्दलीय लड़े थे या बाकी जो लड़े उनमें से 5 से 10 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल बीजेपी के साथ हो गया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह की सरकार गहलोत ने पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा घोटाला निकल कर नहीं आया, भ्रष्टाचार निकल कर नहीं आया, लगातार लोगों तक खाना पहुंचा, अन्नदाना सब पहुंचा। 2018 में सरकार बनी थी याद होगा, 2019-20 के बाद किस तरीके से कोरोना आया था, ये भीलवाड़ा, राजस्थान का भीलवाड़ा देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाना गया था कि भीलवाड़ा में किस तरीके से कोरोना को रोक दिया गया था। झूठी खबरें नहीं है, जाकर गूगल कर लीजिए। इसी तमाम मॉडल जो गहलोत मॉडल था का, वो बहुत तेजी के साथ काम किया और जनता ने पूरी तरह से भरोसा जताया है। जो बात लगातार अशोक गहलोत कह रहे थे कि भाई ये सीएम की कुर्सी मुझे छोड़ने वाली नहीं है, उसकी लोग खिल्ली उड़ा रहे थे, उनके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ गया। देख लो
140 से 150 सीटें। पिछली बार क्या होता, कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी और बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार तो गहलोत का जादू चल गया, यानी जादूगर का जादू चल चुका है। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में तकरीबन 15-16 साल तक रहा, लेकिन इन सबके बीच पिछली बार जनता ने उसे उखाड़ फेंका था। रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जनता ने नकार दिया था और भूपेश बघेल कांग्रेस की जब सरकार बनी तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। वहां की जो सबसे बड़ी समस्या है उसी को जड़ से उखाड़ फेंका भूपेश बघेल ने, वो थी नक्सलवाद। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक तरीके से पूरी तरह से कांग्रेस का जो खेमा था वो खत्म हो गया था। बहुत बड़ा हमला हुआ था, कांग्रेस के कई नेताओं की मौत हो गई थी। इसी पर सबसे पहला लगाम लगाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, वहां के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने किया, और आखिरकार क्या किया, छत्तीसगढ़ में माहौल आज जाकर देख लीजिए, बहुत शांत है माहौल। कितनी सीटें मिलने जा रही है, 90 सीटें हैं वैसे, लेकिन कांग्रेस को 70 से 75 सीटें मिलने जा रही है। ये जो सबसे बड़ी समस्या है उसे जैसे ही निजात दिलाई भूपेश बघेल ने, बहुत दिनों से आप देख रहे हो, पिछले 5 साल से आप बताइए कितनी नक्सल घटनाएं हुई है, अभी तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी। इसमें बीजेपी को 10 से 15 सीटें मिलने जा रही है, पूर्ण बहुमत छत्तीसगढ़ में फिर से मिलने जा रहा है, कोई दूर दूर तक नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। 2018 में कितनी मिली थी, 68 सीटें मिली थी, यानी मुनाफा होने जा रहा है, 2 से 7 सीटों का मुनाफा कांग्रेस होने जा रहा है, भाई बीजेपी वहीं की वहीं अटकी है 15 सीटों पर। अब आ जाइए तेलंगाना का जिक्र कर लेते हैं। तेलंगाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पर ओवैसी यानी AIMIM एक पूरे इलाके में, हैदराबाद इलाके में सक्रिय रहती है। लगातार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं KCR और TRS पार्टी के जो मुखिया भी हैं वो बहुत सक्रिय रहे, लेकिन पिछली बार जो हुआ था, इस बार जो हुआ उसमें बहुत बड़ा अंतर होने जा रहा है। TRS को इस बार मात्र 30 से 40 सीटें मिली, कांग्रेस यहां पर भी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपने कैसे, आपको याद दिला दूं, दक्षिण भारत से जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो उसके बाद आपने देखा होगा तमाम इलाकों से होते हुए निकली थी, और ये तेलंगाना भी था जहां पर सबसे ज्यादा लोग नजर आए थे। कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका था, और वो था राहुल गांधी का जादू। भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली थी तो उसके बाद पहला चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ था, वहां से उखड़ गए, उसके बाद कर्नाटक में हुआ, वहां से उखड़ गए, और देखिए तेलंगाना में बहुत बड़ी बड़ी बातें आएगी, मुस्लिम कोटा खत्म कर देंगे हम, ये कर देंगे, अयोध्या के दर्शन फ्री में कराएंगे, अमित शाह जी कह रहे थे, कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी तो भूली जाइए, कोई नाम नहीं ले रहा, कोई नाम लेने के तैयार नहीं है। जो पार्टियों का नाम निकलकर सामने आया हमारे सर्वे में वो आपको बता देता हूं। कांग्रेस को 70 से 75 सीटें मिली जा रही है, 119 सीटें तेलंगाना में, ऐसे में 70 से 75 सीटें कांग्रेस पार्टी को, TRS को 30 से 40 सीटें, AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की उसे 5 से 9 सीटें मिली जा रही है। 2018 में क्या हुआ था, TRS को 88 सीटें मिली थी जिसके बदौलत मुख्यमंत्री बन गए थे KCR, लेकिन कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और AIMIM को मिली थी 7 सीटें। अब आ जाइए एक और बेहद महत्वपूर्ण राज्य है जो पूर्वोत्तर का राज्य है, और इसके नाम भर से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थरथर कांप रहे थे। असम वाले जो मुख्यमंत्री है ना, वो अपने पड़ोस वाले राज्य में नहीं जा पाए, लेकिन कूद के कहां रहे थे, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी तेलंगाना, लेकिन इस राज्य का नाम सुनते ही बीजेपी के तमाम नेताओं की चुप्पी साध लेते थे, वो चुप हो जाते थे। वजह बता देता हूं, आपको याद होगा इसी साल एक घिनौनी घटना घटी थी, लगातार 90 दिनों से ज्यादा वक्त मणिपुर चलता रहा, और क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में थी मणिपुर में, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हुई। जब संसद का सत्र शुरू हो रहा था उस दौरान एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, घिनौनी तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र होकर यानी बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा था, उसके बाद भी साहिब संसद के गलियारे में खड़े होकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ज्ञान दे रहे थे, सबसे आखिर में मणिपुर के बारे में बोले थे। इसका गुस्सा जनता में देखा गया है कि पूर्वोत्तर से कोई लेना देना नहीं है, जहां इनकी खुद की सरकार है वहां ये लोग सुनने को तैयार नहीं, और यही वजह है मिजोरम में एक भी रैली नहीं कर पाए। स्थानीय लोगों में छोड़ दिया, स्थानीय नेताओं में छोड़ दिया, तुम जितवा सकते हो देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं है इनमें से किसी में पूर्वोत्तर राज्य में जा पाए। असम वाले मुख्यमंत्री देखिए वो अलग अलग राज्य में गए लेकिन मिजोरम नहीं जा पाए, वो समझ गए मणिपुर का गुस्सा मिजोरम में निकल जाएगा। क्या होने जा रहा है मिजोरम में, जल्दी से बता देता हूं, 40 सीटें, इनमें से कांग्रेस को 28 से 35 सीटें मिलने आ रही है, यहां पर भी एब्सोल्यूट तरीके से क्यों हो रहा, उसकी वजह सुन लीजिए। ये मणिपुर में राहुल गांधी ही थे जब हिंसा हो रही थी, लगातार अगजनी हो रही थी, दो गुट आपस में भिड़ रहे थे, ये राहुल गांधी थे जो सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद वीडियो निकलकर आई थी, उससे पहले राहुल गांधी पहुंचे तो बीजेपी के लिए कह रहे थे कानून व्यवस्था खराब की जा रही है। यानी जनता पूर्वोत्तर की समझ चुकी है कि राहुल गांधी, ये राहुल गांधी फैक्टर काम कर रहा है मिजोरम में, कि मणिपुर के लोगों के लिए सबसे पहले आवाज सुनने वाले राहुल गांधी थे, इसीलिए इसका असर पूरा फैक्टर पड़ा है कि इस बार मिजोरम में, उसके बिल्कुल बराबर का राज्य है मिजोरम में, एब्सोल्यूट बहुमत मिलने जा रहा है, यानी कि 28 से 35 सीटें स्वेप कर दिया पूरी तरीके से। जोरम पीपल फ्रंट जो है 2 से 3 सीटें, और मिजो नेशनल फ्रंट है वो भी 3 से 4 सीटें जीतने जा रहा है। 2018 में मिजो नेशनल फ्रंट को 26 सीटें मिली थी, सरकार बनाई, जोरम पीपल्स मूवमेंट 8 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। सोचिए 5 से 1 28 से 35 सीटें, बहुत बड़ा 25 से 30 सीटों का जो बहुत बड़ा आंकड़ा कांग्रेस ने छुआ है।